अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निकल रहमान ऑनलाइन चैनल में। मैं सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा चूल्हा बनाकर दिखाने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही मुफीद और बेहतर चूल्हा बनेगा। ये बहुत ही कारआमद है, ये बिल्कुल ही बना बनाया आपको बाजार से मिल जाएगा और आपने इसको जस्ट मिनट लाकर अपने घर पर लाकर आप खुद इसको कर सकते हैं। हम इसको डीमर के साथ लगाकर इसको तैयार करने वाले हैं और इसके साथ डीमर लगाकर 220 बार चलाकर दिखाने वाले हैं और इसको डीमर लगाकर 220 बार चलाएंगे और ये बहुत ही मुफीद अच्छे तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और आप हम इसको डीमर की मदद से चलाकर दिखाने वाले हैं। ये बहुत ही मुफीद और कारगर चूल्हा बनने वाला है। यह डीमर आपको बाजार से तकरीबन 100 रुपए में मिल जाएगा और यह बहुत ही मुफीद हीटर बनने वाला है। आप इस बार अपने घर का एक वक्त का खाना बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ बना सकते हैं। यह हीटर तकरीबन 1000 वाट का होता है और यह बहुत ही मुफीद अच्छे तरीके के साथ तैयार हो जाता है और यह बिल्कुल ही हीटिंग स्प्रिंग भी आप ले सकते हैं और यह बिल्कुल बना बनाया बाजार से भी तैयार शुदा मिल जाता है और यह डीमर आपको बाजार से तकरीबन किसी भी इलेक्ट्रिकल की दुकान से 50 रुपए में, 100 रुपए में, 150 रुपए में मिल जाएगा। ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसके डीमर के दोनों वायर के साथ कनेक्शन अच्छे तरीके से कर लिए। हमने एक वायर के साथ एक वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम दूसरी वायर के साथ इसके कनेक्शन करने वाले हैं। दूसरी वायर के साथ इसके कनेक्शन करके इसको 220 वाट डायरेक्ट चलाकर दिखाने वाले। आप देख सकते हैं हमारा डीमर बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ लग चुका है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ हमारा स्टोव वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप दोस्तों को गुजारिश है कि आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर, तब तक अल्लाह हाफिज़।